प्रोफेसर डॉक्टर रामजीव चौधरी कृषि विज्ञान। आप 22 तारीख को साक्षात वहां मौजूद थे राष्ट्रपति के प्रोग्राम में, जहां पर डॉक्टर साहब को पद्मश्री दिया जा रहा था। आप उनकी अर्धांगिनी हैं, आपको उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था जब इनको सम्मानित कर रहे थे राष्ट्रपति? गौरवान्वित महसूस कर रहे थे क्योंकि हमारे पति को मिल रहा था। बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। योगी 18 वर्षों से ये कार्य कर रहे थे, कभी आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि फालतू का काम कर रहे हो और रिकग्निशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, वो तो एज ए हस्बैंड तो रोज ही लगता था, लेकिन इनाम मिलने के बाद अच्छा लग रहा था। अब आप रिकग्नाइज कर रहे हैं, प्राउड है आप? यस, बहुत बहुत शुक्रिया। सब जो आपको ये पद्मश्री अवार्ड मिला, ये किस फील्ड में मिला है और आपको कैसा महसूस हो रहा है गोरखपुर की धरती से दूसरा पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है? जी, अब फीलिंग तो ये बताएं कि आसमान छूने का मन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से आजाद होने के बाद हमने इस पे काम शुरू किया खस्ता काला नमक पर, जो कि विलुप्त होने के कगार पर था। अब ये विलुप्त होने को कौन कहे, अभी दुनिया में जा रहा है तो ये तो खैर काला नमक का हुआ कि बच गया, जिंदा रह गया और दुनिया को ये जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कम से कम आपके काम का एक रिकग्निशन मिला, एक पहचान मिली, तो हमारे 18 साल के काम के ऊपर अगर इस राष्ट्र की, इस राष्ट्र के राष्ट्रपति की मुहर लग गई तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी खुशी हुई। ये बात, इनाम तो हमारे पास बहुत हैं, विदेशों के भी हैं, 10-10 देशों ने हमको इनाम दिया है, लेकिन अपने देश में कुछ मिल जाए और वो भी जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बाद का, वो मिलना, तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी खुशी हमको हुई होगी, हमारे परिवार को हुई होगी और यही नहीं पूरे पूर्वांचल को खुशी हो रही है और सारे लोग जश्न मना रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, ये किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? ये हम
किसान और उपभोक्ता दोनों को डेडिकेट करना चाहेंगे। किसान और उपभोक्ता ही हैं जो हमारा साथ दिए हैं। अगला अगर हम किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे तो मीडिया है। कारण यह है कि हमारा रिसर्च हमारे तक रह जाता अगर ये मीडिया ने इसको आगे नहीं बढ़ाया होता, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, अखबार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीविजन है, जो भी है। इन लोगों ने ये हमारे अनुसंधान जो है गोरखपुर तक सीमित रह जाता उसको चारों तरफ फैलाया कि ये खबर राष्ट्रपति तक पहुंची, तो हमको ये इनाम मिला। तो हम तो जो अगला डेडिकेशन होगा वो हमारा मीडिया को होगा। रेड कार्पेट पे खड़े हुए थे और राष्ट्रपति के सामने जब आप मौजूद थे तो अंदर से आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही थी और आपकी क्या फीलिंग्स थी? शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है, मगर हम जानना चाहेंगे, जनता जानना चाहेगी। देखिए, कई किस्म के भाव उसमें दिमाग में आ रहे थे। पहली बात ये कि हम जब संयुक्त राष्ट्र संघ से सेवानिवृत्त होके यहाँ आए और इस काम के ऊपर जुटे तो ऐसा लगा कि हमारे जो ये 18 वर्षों की तपस्या है उसके ऊपर इस राष्ट्र की और इस राष्ट्रपति की मोहर लग गई है कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अंदर से वही फीलिंग हो रही थी कि चलो अब हमारे काम को एक और मोहर लगी। किसान की मोहर तो लग चुकी थी, उपभोक्ता की मोहर लग चुकी थी, लेकिन पूरे राष्ट्र की मोहर लगी, ये बहुत बड़े गौरव की बात है, बहुत अच्छा लगा। जब डॉक्टर साहब को पद्मश्री मिल गया उसके बाद डॉक्टर साहब जब अपने घर आते हैं और आईने के सामने खड़े होते हैं तो उन्हें कौन दिखता है? हमें अपना काम ही प्रोफेसर चौधरी दिखते हैं या एक आम इंसान दिखता है? देखिए, हम तो कभी कल्पना नहीं किए थे कि हमको पद्मश्री मिलेगा, कभी किसी अवार्ड के लिए नहीं काम किया। हमें एक जुनून सवार था और वो जुनून था कि काला नमक जो 3000 वर्षों तक जिंदा था अब कैसे मर रहा है, कैसे समाप्त हो जा रहा है, इसको बचाना है। और वो एक मुकाम हासिल हुआ कि जो हमने शुरू किया था आज के 18 साल पहले वो मुकाम हासिल हो गया। तो उस समय अपना काम और मुकाम दोनों ये समझ रहे थे, हमारा चेहरा नजर नहीं आ रहा था वहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।